जो इंसान संघर्ष से परिचित नहीं होता वो कभी जहान में चर्चित नहीं होता। संघर्ष करने का समय आ गया है, रात भर जागकर पढ़ने का समय आ गया है। जो होना था वो हो गया, जितना समय बर्बाद किया वो सब खो गया। लेकिन अभी भी थोड़ी सी बाकी है मोहलत, सब ठीक हो सकता है अगर तू कर ले थोड़ी सी मेहनत। अगर अभी भी नहीं जागा तो बहुत देर हो जाएगी, तेरी जिंदगी गुमनामी में कहीं खो जाएगी। सच को स्वीकार लो, यही असली ज्ञान है। जो अपनी मेहनत से कुछ कर दिखाए वही तो महान है। सपने मत देखो, लक्ष्य बनाओ। पढ़ाई में मेहनत के आगे जब हर चीज फीकी लगने लगे, रात में नींद ना आए और सुबह की नींद तोड़कर तू उठने लगे, तो समझ लेना तुम तैयार हो। सुबह के नाश्ते और रात के खाने की फिक्र ना लगे, अनजान सी किताब जब दोस्त लगने लगे, तो समझ लेना तुम तैयार हो। तुम तैयार हो, तुम्हारा समय आने वाला है, तुम्हारे पीछे ये सारा जमाना चलने वाला है। सपने तो सब देखते हैं लेकिन पूरे नहीं कर पाते। हार जाते हैं कुछ लोग क्योंकि वो खुद से जीत नहीं पाते। अगर कुछ कर दिखाना है तो नींद चैन को त्यागने का इरादा करो। जितना सोचते हो कोशिश उससे ज्यादा करो। हार नहीं मानोगे कभी, खुद से ये वादा करो। क्या तुम नहीं चाहते कि जब तुम टॉप करो तो तुम्हारे माँ बाप की आंखों में खुशी के आंसू आ जाएं? क्या तुम नहीं चाहते कि जब तुम जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करो तो अपने माँ बाप को उन अधूरे सपनों को पूरा कर पाओ जो शायद उन्होंने तुम्हारी तरक्की के लिए अधूरे छोड़ दिए थे? तो जब भी मन में ये विचार आए कि आज तो बहुत पढ़ लिया, आज के लिए इतना ही काफी है, अब सो जाता हूँ, तो याद कर लेना यही तुम्हारी सोच तुमको जिंदगी में बहुत पीछे ले जाएगी। अपने मन से कहो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है, अभी और पढ़ना बाकी है।